सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की हाई प्रोफाइल और हॉट सीट यानी कि जोधपुर की। जोधपुर सीट पर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। जोधपुर से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा। जोधपुर ऐसी सीट जहां पर मुद्दों पर नहीं बल्कि दो ताकतवर चेहरों पर चुनाव हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही कारण है कि जोधपुर सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सबसे हॉट सीट यानी जोधपुर संसदीय क्षेत्र, जोधपुर लोकसभा सीट इस बार उन हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है जिस पर प्रदेश ही नहीं देश भर की नजरें हैं। इसकी वजह भी है, एक तरफ मोदी कैबिनेट में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो दूसरी ओर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। जोधपुर सीट दोनों सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, तो बीजेपी भी जोधपुर का गढ़ जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद अमित शाह ने भी रोड शो किया। मोदी और शाह दोनों नेता अमूमन एक शहर में चुनावी सभाएं नहीं करते हैं, लेकिन इस बार दोनों ने जोधपुर में दमखम दिखाया। मोदी और गहलोत ही दो चेहरे हैं, चुनाव में क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सभी मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन के दौरान जोधपुर में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर मतदाताओं से अपने पुत्र को विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने में कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। 29 अप्रैल को चुनाव है, लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी जनसभाओं के बजाय तूफानी जनसंपर्क पर फोकस किया और जोधपुर पहुंचते ही गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई वार किए। इनका कोई भी कैंडिडेट एक कैंडिडेट होने के नाते चुनाव में वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। जो पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है, उनकी हालत इतनी पतली है कि 5 साल उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल करी अपने क्षेत्र में, कैसा उन्होंने जनसंपर्क रखा, कैसे वहाँ की जनता के सुख दुख में काम आए, क्या विकास किया, उस पर बोलने लिए कोई तैयार नहीं है। सर मोदी, पाकिस्तान, सेना, इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, 5 साल को मौका मिला, कोई उन्होंने काम किए नहीं, ना जनता से संपर्क किया, हम गवर्नमेंट में रहे, इधर तमाम जगह पर इनकी बहुत हालत पतला है, सब मोदी जी नाम वोट मांगते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी की हालत पतली है, अभी देश और प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लोकसभा चुनाव में हम शानदार तरीके से कामयाब होंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा की तानाशाह प्रवृत्ति है जो देश हित में नहीं है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी तानाशाही का आरोप लगाया। अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं और भावात्मक मुद्दे लेके आप चुनाव जीतना चाहते हो, आखिर में देश के भविष्य का सवाल है, नौजवान पीढ़ी के आने वाला कल उनका है, उनके कंधों पर भार आएगा देश का। मुझे नौजवान पीढ़ी को कहना है कि आप इनके झांसे में नहीं आए, ये पूरी तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इतिहास को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, गलत अफवाह चलाते हैं, और अभी भी कुछ युवा जो मोदी बोलते हैं वो आने वाले अपने ज़िंदगी पर पछताएंगे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मोदी जी का अप्रोच ना युवाओं के लिए ना देश के हित में है, जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति करी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का सवाल है, नौजवान पीढ़ी को भाजपा गुमराह कर रही है और देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। देश में चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए, अपनी अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर जनता के हित में बात करें, लेकिन बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांग रही है। और भी सेना के शौर्य को तो चाहे 62 का युद्ध हुआ हो, चाहे 65 का युद्ध हुआ है, 71 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था या कारगिल हुआ था, सभी मौके पर जिस प्रकार इस देश की सेनाओं ने, चाहे आर्मी थे, चाहे नेवी थे, चाहे वो एयरफोर्स थे, जो पराक्रम शौर्य दिखाया है,
पूरे मुल्क को उन पर गर्व है, पर मोदी जी उसका से भी खुद के खाते में लेना चाहते हैं, वो ना देश को मंजूर है ना हमें मंजूर है, और ना होना चाहिए। और योगी जी महाराज कहते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, ये मोदी की सेना है, आप चाहते क्या हो, देश को कहाँ लेना चाहते। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस दौरान नौजवानों को संदेश भी दिया और कहा कि जोधपुर की जनता को फैसला करना है कौन उनके सुख दुख में भागीदार हो सकता है, कौन विकास करेगा और उनके विकास में भागीदार बनेगा। गहलोत ने कहा कि मेरा विश्वास है कि वैभव गहलोत को जनता अपना आशीर्वाद देकर जिताएगी। कांग्रेस ने ऐसी परंपराएं कायम की देश के अंदर, हर प्रधानमंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन होता है यहाँ पर। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ कभी नौबत ऐसी नहीं आई है। अब ये जो अप्रोच रखे हैं, ये इनकी फांसी से सोच है, तानाशाही पूर्ण तरीका है, और तानाशाही जो इनकी प्रवृत्ति है काम करने की, बात करने की, धमकी देने की, वो देश हित में नहीं है। बहरहाल सहज सरल अंदाज में गहलोत ने जोधपुर में सीधा संवाद कायम कर बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी तरफ से कराए गए विकास कार्यों का हवाला दिया और अपने पुत्र वैभव का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। बरसों से जोधपुर में गहलोत अपने लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन ये पहला अवसर है कि वे इस तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं। लोगों से मिलकर गहलोत ने जन समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो जोधपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और अपने पुत्र वैभव गहलोत को जिताने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी है और लगातार जोधपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। आज भी गहलोत सुबह से ही जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के लिए निकले और वैभव गहलोत को आशीर्वाद देकर जिताने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान अशोक गहलोत का विभिन्न क्षेत्रों में जहां जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं युवाओं में गहलोत के साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर क्रेज भी नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी जोधपुर को जीतने के लिए दोनों प्रमुख दल जुटे हैं और ये सीट दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। जोधपुर के पाबूपुरा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री गहलोत का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और राजधानी साफा पहनाया, तो वहीं अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने वैभव गहलोत को जिताने का पाबूपुरा क्षेत्र की जनता ने संकल्प लिया, तो वहीं बच्चों ने गहलोत को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सेंट्रल स्कूल की स्कीम सामुदायिक भवन पहुंचे जस्टिस एनएन माथुर और समाजसेवी जेएम ने गहलोत का स्वागत किया। गहलोत के साथ इस दौरान कैप्टन महेंद्र माथुर, कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारडा, विधायक मनीषा पवार और राजेंद्र सोलंकी मौजूद रहे। जस्टिस एनएन माथुर ने संबोधित करते हुए जोधपुर के भतीजे वैभव गहलोत को जिताने का भरोसा दिलाया। उम्मीद जताई कि जीतने के बाद वैभव बेहतर प्रदर्शन संसद में करेंगे। पंडित नेहरू को सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की माथुर ने निंदा की और कहा कि पंडित नेहरू को गाली देना यानी हमारे बड़ों को गाली देना है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद 4 गुना बढ़ गया है और ये कैसा राष्ट्रवाद है। माथुर ने कहा कि 40 साल में पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर आया हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे जोधपुर में प्रचार करना है। इंदिरा गांधी के त्याग बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र जिंदा है, यही बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने वैभव गहलोत को जिताने की अपील की और कहा कि पहले मनीषा पंवार और मीना कंवर को जिताया, अब वैभव को जिताकर संसद में भेजें। एक एक वोट की कीमत होती है, अपने वोट की कीमत को समझें। आपके आशीर्वाद से कामयाब बना हूं। गहलोत साहब को कि उन्होंने काफी संयम रखने के बाद में बहुत अच्छे बाद हमारे भतीजे वैभव को इजाजत दी कि हमारा प्रतिनिधित्व जोधपुर से करें। आभारी हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारे भतीजे को वैभव को किस तरह से संसद के अंदर भेजें। हमारे संसद के अंदर बहुत अच्छे सांसद की जरूरत है और वैभव उसको जरूर जो है पूरा करेंगे। जब आप जवाहरलाल जी को और कांग्रेस की सरकार को गालियां देते हो तो आप मेरे पिताजी और दादाजी को अपमानित करते हैं। उसकी
की भी तो मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के इतने वोट जीतती होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूथ हॉस्टल में जनसंपर्क करने के साथ साथ हरिजन बस्ती पहुंचे, जहां पर गहलोत ने पुराने कांग्रेस जनों से मुलाकात की। हरिजन बस्ती पहुंचने पर सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। मां चामुंडा मंदिर में गहलोत ने दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दासपा हाउस भी पहुंचे, जहां बिश्नोई समाज के लोगों ने भी सीएम का जोरदार स्वागत किया। पूर्व कुलपति भंवर सिंह राजपुरोहित भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए वैभव गहलोत को आशीर्वाद देने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव को गंभीरता से लेकर वैभव को विजयी बनाएं। जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है, तो मौका मिला है वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री जोधपुर का बना है, कोई कम बात नहीं है। तीसरी बार मजबूती के लिए भी जरूरी है। आपका जोधपुर का मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार है, उसकी मजबूती के लिए जरूरी है हम सीधे जीत के जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने पुत्र वैभव गहलोत के समर्थन में किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान गहलोत के साथ सेल्फी खिंचवाने का जोरदार क्रेज देखने को मिला। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली, तो वहीं युवा उत्साह के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हाथ मिलाते दिखे। जोधपुर सीट के सियासी समीकरणों की बात करें तो जोधपुर संसदीय सीट पर आजादी के बाद हुए 16 आम चुनावों और एक उपचुनाव में 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 1 बार भारतीय लोकदल ने बाजी मारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। 2008 के परिसीमन के बाद जाट बहुल क्षेत्र पाली में चले जाने से सीट राजपूत बहुल हो गई है। इसके अलावा इस सीट पर बिश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 54.46% हिस्सा ग्रामीण और 42.54% हिस्सा शहरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत को दोहराते हुए बीजेपी ने कांग्रेस का गढ़ रहे इस सीट पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से राजघराने की चंद्रेश कुमारी को 4,10,051 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। शेखावत को 7,13,515 वोट मिले, तो वहीं चंद्रेश कुमारी कटोच को 3,03,464 वोट मिले थे। आयुषी शेखावत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए कल से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने आखिरी दिन तक प्रचार करते वो नजर आएंगे। आज भी वैभव गहलोत ने तूफानी चुनाव प्रचार किया और जोधपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और चुनावी सभाएं की। अपने संबोधन में वैभव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को जिताने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने जोधपुर शहर और लूणी विधानसभा क्षेत्रों में अपने तूफानी जनसंपर्क अभियान के दौरान कई सभाओं को संबोधित किया। वैभव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कांग्रेस को जिताने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि मैं जहां जा रहा हूं वहां एक ही बात सुनाई दी कि 5 साल भी सांसद रहते बीजेपी प्रत्याशी ने एक भी कार्य नहीं करवाए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वैभव गहलोत ने सवाल किया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और जोधपुर से सांसद ही नहीं मंत्री होने के बावजूद इस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल क्यों नहीं करवा पाए। शहर के लोग जगह जगह उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं। वैभव गहलोत को जबरदस्त जन समर्थन मिला, जगह जगह लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने लोगों का आभार जताया और कहा कि जिस तरह 40 साल से उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ संबंध रहे हैं, वैसे ही संबंध और आशीर्वाद आप मुझे भी दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी उनकी तरह आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। दिल्ली और जयपुर के पंचायतों में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा मजबूत पैरवी करूंगा। वैभव गहलोत ने कहा कि मारवाड़ और विशेषकर
जोधपुर का जो विकास किया गया वो कांग्रेस की देन है, लेकिन पिछले 5 साल में जोधपुर और समूचे मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। बाड़मेर में करोड़ों की रिफाइनरी परियोजना लाई गई थी जिसका शिलान्यास यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था, पर बीजेपी सरकार ने पहले तो उसको लटकाए रखा और चुनाव सिर पर देखते हुए प्रधानमंत्री को बुलाकर काम शुरू करवाने का नाटक रच गया। अगर रिफाइनरी के काम को नहीं रोका जाता तो अब तक ये शुरू भी हो जाती। इससे पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, कई छोटे छोटे उद्योग पनपते। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने आम जन से अपील की कि अपना मत और समर्थन देकर वर्तमान बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकी, इस दिशा में संकल्प लेकर जाए। इस दौरान वैभव गहलोत के साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। वैभव गहलोत ने खारा बेरा, गुड़ा विश्नोइया, केजरली कला क्षेत्र का भी दौरा किया। वैभव ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत घूमर होटल से की जहां भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। रेलवे मैदान पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया जहां वैभव ने क्रिकेट खेलकर एक प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो जोधपुर सीट पर दोनों ही पार्टियां दमखम लगाने में कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ रही है। ईंट का जवाब पत्थर, यानी कि आज रैली तो कल रोड शो और कल रोड शो तो आज रैली। दरअसल दोनों पार्टियों का फोकस जोधपुर पर नजर आ रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक यहां पर नजर आते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से लेकर प्रियंका गांधी तक आने की बात यहां पर की जाती है। लेकिन इस सीट पर कौन कौन किस किस के खिलाफ, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। और आज गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रोड शो किया, और रोड शो के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत इस सीट पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। वैभव गहलोत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में जनसंपर्क किया। माइक्रो मैनेजमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में दिखाई दे रहा है, और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सभा भी यहां पर करने वाले हैं, जिस सभा में बाकायदा आज के अमित शाह के रोड शो का जवाब देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि कल प्रचार थम जाएगा। आरसीबी लाइंस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए और फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट उन्होंने किए हैं, पर क्या कुछ ट्वीट किए हैं और फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किए हैं। शुरुआत ट्विटर के साथ करते हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर अकाउंट, जिस पर जो सबसे पहले पोस्ट है, दरअसल जो ट्वीट है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं कि जहां इतनी बड़ी तादाद में आप यहां आए, ये आपके प्यार स्नेह आशीर्वाद का प्रतीक, जो उत्साह देख रहा हूं शानदार है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ये जोधपुर की बीजेएस कॉलोनी है जहां पर मुख्यमंत्री ने जनसभा की और वहां के फोटो ट्वीट किए गए हैं। 214 लोगों ने लाइक किया है और 58 लोगों ने रीट्वीट इसको किया है। इससे नीचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें लिखा है, हमने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। और इस वीडियो को जरा प्ले करते हैं। गरीब परिवार का सस्ती दरों पर मिले अन्न, बेहतर हो सबका जीवन, ये टैगलाइन यहां पर दी गई है। और उसके बाद वही, हमने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। ये वीडियो यहां पर ट्वीट किया गया है और 418 लोगों ने लाइक किया और 116 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। इससे नीचे देखिए, जोधपुर के अंदर जनसंपर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कर रहे थे, और जनसंपर्क के दौरान की भारी भीड़ से जुड़े हुए ये फोटो ट्विटर पर ट्वीट किए गए हैं। 389 लोगों ने इसको लाइक किया और 88 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। इससे नीचे, ये दरअसल जोधपुर के सिद्धांची गेट के हनुमान मंदिर, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, आशीर्वाद लिया, इसको 267 लोगों ने लाइक किया और 63 लोगों ने इसको रीट्वीट किया। फेसबुक देख लेते हैं, फेसबुक पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ जनता के साथ संवाद करते हुए नजर आए हैं। ये मुख्यमंत्री की फेसबुक पोस्ट है, बीजेएस कॉलोनी, जिसका जिक्र ट्विटर पर भी किया गया, वही यहां पर किया गया और कहा गया है,
मैं आप सभी से अपील करूंगा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और जमकर आपको 29 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। 267 लोगों ने इसको शेयर किया और 521 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। इससे नीचे वही वीडियो जो ट्विटर पर था और इसको 73 लोगों ने शेयर किया और 115 लोगों ने कमेंट किया है। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बोल पूरे तरीके से सियासी संदेश जनता के बीच में छोड़ती हुई और ये संदेश ये कि 29 अप्रैल को जब आप मतदान के लिए जाएं तो कांग्रेस को चुनो, इस तरीके का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गहलोत का अमित शाह पर जवाबी हमला। कल जोधपुर में रोड शो में गहलोत करेंगे हमला। लगभग आधा दिन चलेगा गहलोत का रोड शो और अमित शाह के रोड शो में जुटी थी हजारों की भीड़। अब कांग्रेस कर रही इससे ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश। अब हर किसी की नजर गहलोत के कल के भाषण पर। अमित शाह की यात्रा के बाद जोधपुर की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज के रोड शो की तस्वीरें जो अमित शाह ने किया गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जो कल मेगा शो जोधपुर के अंदर दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस दौरान कोशिश यही होगी कि आज जो अमित शाह संदेश देकर गए उस संदेश के जरिए जो डैमेज हुआ उसको ना सिर्फ कल कंट्रोल किया जाए बल्कि एक ऐसा मेगा शो कल दिखाया जाए जिसके आगे बीजेपी का रोड शो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे। आरसीबी लाइंस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।